खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत हर गरीब परिवार को उचित राशन प्राप्त करने का कानूनी प्रावधान है। इसके बावजूद भी विभागीय लापरवाही के कारण गोड्डा जिला अंतर्गत बुआरीजोर प्रखंड के कुसुम घाटी पंचायत के बड़ा धनाबेंदी गांव की लक्ष्मी देवी की पीएच कार्ड होने के बाद भी आज तक राशन प्राप्त करने से वंचित रखा गया है तथा अन्य लोगों की राशन को काटी जाती है, जो खाद्य सुरक्षा कानून 2013 की उल्लंघन है। हमारे गांव में जो है ना, हम लोग तो परदेसी, हम लोग बाहर में कमाने वाले हैं, खाने वाले हैं, लेकिन हमारे हम लोगों को कोई चीज़ राशन कार्ड ऐसा कुछ नहीं बना है, ना किसी चीज़ से हमारा नाम जुटा हुआ है। और क्या बोलते हैं, यहाँ का जो आदमी है, रहता है गांव में, जिसके पास पैसा है उसका सब चीज़ है, कार्ड है, ये सब ऐसा मतलब सब चीज़ मिलता है। जिसका घर है, मकान, उसी को मिलता है लाल कार्ड, उसी को मिलता है आधार कार्ड, और जिसका झोपड़ी है उसको झोपड़ी में ही रहता है, जिसका एक बार हो जाता है कॉलोनी उसको बार बार मिलता है कॉलोनी। ऐसा हमारे गांव में कम से कम 25 ठो में दिखा सकता हूँ। ऐसा कौन लोग करते हैं? कर्मचारी लोग करते हैं, पदाधिकारी लोग करते हैं, आते हैं वही लोग यहाँ पर कुछ लिखा पढ़ी करते हैं और बाद में जाके ये सब कट के फिर उन्ही लोगों को हो जाता है। ये पदाधिकारी कहाँ से आते हैं? ये गोड्डा से आते हैं, महागवा से आते हैं, ललमटिया बुआरी जो अपना ब्लॉक पड़ता है वहाँ से आते हैं। तो आपको अभी राशन मिल रही है? नहीं। आपको कितना दिन से राशन नहीं मिल रही है? 2013 अक्टूबर महीना से राशन नहीं। मैं और मेरे समुदाय के लोग चाहते हैं कि डीलर बेटाजी टुडू राशन का सही वितरण करे, राशन को न काटे तथा लाभुकों के साथ अच्छा व्यवहार करे। इस वीडियो को देखने वाले तमाम दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि आप सभी लक्ष्मी देवी की सहयोग के लिए हमारे खाद्य शिकायत निवारण अधिकारी का नाम अनिल तिर्की है तथा उनका मोबाइल नंबर 82 94 87 38 00 पर कॉल कर समस्या से अवगत कराएं, ताकि लक्ष्मी देवी को जल्द से जल्द राशन मिले। मैं मेरी निशा हंसदा, जिला गोड्डा, झारखंड के संताल परगना से, इंडिया अनहद के लिए।